हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग एंड कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? वैसे बहुत से लोगों की अभी एग्जाम्स चल रही होगी ना, उनको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर देयर एग्जाम्स। एंड जिनकी अभी एग्जाम्स बाकी है, आई मीन जिनकी अप्रैल में एग्जाम्स हैं, उनको भी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स प्रिपरेशन एंड एग्जाम्स। वैसे अब तो आपको पता चल गया होगा ना कि हम कौन से सिटी में शिफ्ट हुए हैं। अगर नहीं पता है तो सिटी ट्रिविल वाला ब्लॉग तो कब का आ गया है वो आप देख सकते हैं, एंड वो देख के आप मुझे कमेंट में बताइएगा सिटी का नेम। वैसे अभी ना मेरा आधा रूटीन हो गया है मॉर्निंग का, और मैं बस सनलाइट लेने बैठ ही रही थी और ये लो बैठ गई सनलाइट लेने। तो आज ना मुझे थोड़ी सी ज़्यादा नींद आ रही थी तो मैं चेयर पर बैठे बैठे सो गई। कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर उठी तो मुझे पता चला कि ओह, मैं थोड़ी देर सो गई थी। कोई बात नहीं, फिर मैं मैट लेके आ गई एंड मैंने कर ली एक्सरसाइज। मुझे ना वैसे डिफरेंट टाइप्स की एक्सरसाइज करने का बहुत मज़ा आता है, बट अभी वो डिफरेंट टाइप्स की एक्सरसाइज करने जाऊंगी ना उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं ये वाली एक्सरसाइज कर लेती हूँ। वैसे ये भी एक्सरसाइज मुझे पसंद ही है, बट मुझे डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है और वो करना भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस जैसे एग्ज़ाम फिनिश होगी ना, मैं थोड़ा थोड़ा उस पर भी ध्यान दूंगी। और ये हो गई मैं बाथ लेके रेडी, एंड मैंने पूजा कर ली और अभी मैं प्लांट्स को दे रही हूँ वाटर। वैसे हमारे पुराने घर में, इससे पहले हम जो घर में रहते थे वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स भी थे, बट यहाँ पर अभी ग्रो किया है ना तो इतने इतने ही है, छोटे छोटे बट काफ़ी क्यूट है। तो ब्रेकफास्ट में आज मैंने पी लिया मिल्क, और अभी है टाइम डीक्लटर का, तो चलिए बेड को डीक्लटर कर लेते हैं। क्या कहा आपने, आपको ट्रांजिशन देखना है? तो आपको ऐसे ट्रांजिशन पसंद है या फिर वो फास्ट फॉरवर्ड में मैं पूरा बेड डीक्लटर करती हूँ वो पसंद है, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अभी हो गया है पढ़ाई का टाइम, अभी मैं पढ़ाई करती हूँ तो मैं चली गई नीचे अपने स्टडी एरिया में। एंड सबसे पहले आज मैं करूंगी इकोनॉमिक्स। तो अब मैं कर लेती हूँ पढ़ाई, एंड अभी एग्जाम्स नजदीक आ रही है तो जम के होगी पढ़ाई पढ़ाई एंड पढ़ाई। वैसे मेरी भी एग्जाम्स अप्रैल में ही आ रही है, कल मैं आपको डिटेल्स में डेट वगैरह सब कुछ बताऊंगी। फिलहाल स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। तो आज मैं लिखने वाली हूँ ये वाली पेन से। वैसे अगर आपकी एग्जाम्स अभी चल रही है तो आप सब्जेक्ट वाइज एक एक रिविजन करते जा रहे होंगे, कल मैथ्स की एग्जाम है तो मैथ्स, बट अगर आपकी एग्जाम्स को थोड़ा भी टाइम है ना, अभी आप रिवीजन कर रहे हो तो आपका कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है रिवीजन? आई मीन टू से 50%, 40%, 80%। तो देखिए ये मैंने कर ली है क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। अभी ना मुझे थोड़ी सी प्यास लगी है। वैसे पानी तो है यहाँ पर मेरे पास पीने के लिए, बट मुझे ना नींबू पानी जैसा कुछ पीना है, तो चलिए जाता है ऊपर एंड मैं पानी नींबू पानी पी के नीचे आती हूँ। ये है स्टडी का ब्रेक, बिकॉज मेरा एक सब्जेक्ट में जो प्रैक्टिस करना था वो हो गया है, तो फिर आके दूसरा सब्जेक्ट प्रैक्टिस करता है। तो मैं आ गई हूँ किचन में एंड मम्मा बस लाइम जूस बना ही रहे हैं, प्रोसेस ऑन गोइंग है। तो आज ना मैं सिर्फ सॉल्टेड नहीं, मीठा नींबू पानी पीने वाली हूँ। तो हम ना चाशनी ऐसे बना के रखते हैं ताकि फिर करना हो तो ईजिली हो जाए, है ना मम्मा? ये फटाफट हो गया है कि शुगर डालेंगे तो देर लगेगी फिर खोलने में? हाँ, शुगर मेल्ट होगी है ना। तो नींबू पानी तो मैंने पी लिया है, एंड अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं करूंगी इंग्लिश के कुछ 3-4 चैप्टर्स रिवाइज। तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन से चैप्टर्स रिवाइज करने वाली हूँ। तो मैं रिवाइज करने वाली हूँ लिटिल गर्ल, द विलेज फार्मेसी, द ट्रूथ एंड वंस अपॉन अ टाइम। एंड मैंने ना पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स है ना, और वो भी बहुत सारे, सारे जो हमारे पास थे ना वो सॉल्व किए हैं। तो ऐसे मैं आपको पेज टर्न करके दिखाऊंगी ना, बहुत सारे हैं तो मैं ऐसे दिखा देती हूँ। सो यहाँ तक किए है तो ये वो सारे, ये देखिए। फिलहाल तो मैं अभी रिवाइज कर लेती हूँ, एंड मैंने कभी कभी चैप्टर के वीडियोज भी देखती हूँ यूट्यूब पर, बट अभी मैं ऐसे रिवाइज करने वाली हूँ पढ़ के। चलिए तो सब कुछ डिक्लेयर कर लिया है, अब मैं जा रही हूँ लंच करने। तो ये है आज का लंच, दाल सब्जी राइस एंड बटर मिल्क, और मैं रोटी नहीं खाऊंगी, मैं दाल राइस और उसमें सब्जी डाल के खाने वाली हूँ।
एंड मस्क मेलन भी है, लेकिन वो मुझे लंच के साथ नहीं पसंद है, तो बाद में खाऊंगी। एंड होममेड बटर लोगी थोड़ा सा कि बाद में? बटर बटर भी बाद में ले लूंगी, बाद में इवनिंग में। हाँ अब लंच मैंने कर लिया है एंड थोड़ा सा वॉक करने के लिए मैं आई हूँ नीचे। तो अभी मैं करने वाली हूँ थोड़ी सी स्किन केयर, जिसके लिए ये मैं लेके आई हूँ बेंगल ग्राम और उसमें थोड़ा सा घी डाल के एंड अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के। सो पेस्ट इज रेडी एंड नाउ लेट मी अप्लाई इट। वैसे आप इस तरह से स्किन केयर करते हैं क्या? अगर करते हैं तो क्या लाइक फेस पर लगाते हैं? तो इसमें अप्लाई करने के बाद मैं ऐसे थोड़ा सा मसाज भी करती हूँ। वैसे तो ये जब ड्राई होगा फिर जब इसको वॉश करना होगा तब मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी लेके इसको मसाज करती हूँ। एंड वैसे भी हम कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। सो नाउ थोड़ा सा मसाज इज डन एंड मैं आपको मिलती हूँ ये जब थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा एंड वॉश करना होगा तब। सो नाउ इट्स टाइम टू वॉश माई फेस एंड मैं इसको बहुत ज़्यादा भी ड्राई नहीं होने देती बिकॉज वो भी इतना अच्छा नहीं है। एवरीथिंग डन एंड अभी मैं करने वाली हूँ पढ़ाई, तो उसके लिए मैं जा रही हूँ नीचे टेक्स्ट बुक लेने। सो मैंने सोचा कि मैं हॉल में सोफा में बैठ के आराम से पढ़ाई करूंगी एंड मॉम मेरे लिए बना रहे हैं इंस्टेंट ब्रेड चाट, जो मम्मा ने कहा कि सिर्फ 2-3 मिनट में ही बन जाएगी। यस, और मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रही हूँ हिंदी, और मैंने ना 3-4 चैप्टर रिवाइज करने का सोचा है। अब देखते हैं मेरे से कितने कंप्लीट हो पाते हैं। तो देखिए ये ऑलमोस्ट चाट बन गई है ना, ये बन गई चाट। और ये सिर्फ देखने में इंटरेस्टिंग नहीं है, खाने में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डिलीशियस है। एंड अगर आपको इसकी डिटेल में रेसिपी चाहिए तो बताना, मैं मम्मा को फूड शॉट के लिए बोलूँगी। तो आपने जैसा कि कल के ब्लॉग में देखा होगा कि ये सारी गेम्स हमने ली, उसमें से आज हम कौन सी गेम खेलने वाले हैं मम्मा? ये, बट इसमें ना सबसे प्यारा ये है। हाँ यूनिकॉर्न वाला ये भी बहुत प्यारा है, मतलब वुडन की जगह पे ये देंगे तो कितना प्रिटी दिख रहा है। हाँ वैसे हाँ। हमने ये फर्स्ट टाइम देखा, हमने जब देखा था ना वुडन के जो आते हैं ना वही देखे थे, वो नंबर वाले आते हैं वो भी देखे तो थे। कंसेप्ट वही माइंड में था कि नंबर आते हैं इसमें डाइस के अकॉर्डिंग, मतलब दो आते हैं ऐसे तो इस तरह से प्ले करना है, बट हाँ। ये तो कुछ डिफरेंट ही है। यस, तो ये हमने बना लिया है जेंगा, आई मीन उसमें से जो प्लास्टिक था वो निकाल लिया है। एंड हाँ एंड ये है उसका प्रिटी प्रिटी डाइस, वैसे तो मैंने आपको ये कल के ब्लॉग में दिखाया था। सो लेट्स स्टार्ट प्लेइंग। तो एक्चुअली क्या हुआ कि ये हम खेल रहे थे एंड मुझसे गिर गया एक ब्लॉक लेते वक्त, तो लाइक मैं इस गेम की लूजर हो गई एंड मम्मा विनर हो गए। चलिए तो अब हम इसे ओपन करके देखते हैं कि ये कैसी है। इसमें ना 2 हेयर क्लिप्स हैं एंड साथ में 2 रबर्स हैं पिंक कलर के। इसे मैं हेयर स्टाइल बना के दूंगी। हाँ वैसे हो गए अभी सारा? हाँ हो गए सारे क्वेश्चंस, कंफर्म। चलो आपको सारे क्वेश्चंस पूछने हैं, आई मीन जो जो क्वेश्चंस पूछने हैं वो पूछ सकते हैं। ओके चलो, मुझे तो लगता है ये ना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने ही वाला है, मतलब बहुत सारे पेपर्स में है ये, कि डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डन टू फॉर द पर्पस ऑफ मनी, टू अर्न मनी, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डन फॉर सेटिस्फेक्शन, नॉट टू अर्न मनी। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर सैलरी ऑफ ऑफिस वर्क, बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, एंड फार्मर्स ग्रो क्रॉप टू सेल। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गार्डनिंग, हेल्पिंग पीपल इन अर्थक्वेक, और क्या था? और क्या था? हाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, लिसनिंग रेडियो एंड वॉचिंग टेलीविजन। बस चलेगा चलेगा, मतलब ये है ना इतना लंबा नहीं है, तो ये 2 and 3 marks के क्वेश्चन है ना, इसमें बहुत रिपीट आया, बहुत रिपीट आया। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड आउटकम, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि टैबलेट में से ना एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखूँ, तो चलिए वो देख लेती हूँ। तो अभी हो गया है डिनर का टाइम, तो मैं जा रही हूँ डिनर करने। तो आज डिनर में है हॉच पॉच।
तो अभी डिनर तो हो गया है एंड अभी है मेरा मी टाइम। तो वैसे तो मी टाइम में मैं बहुत कुछ करती हूँ, आई मीन जो मुझे पसंद है वो करती हूँ, लाइक डांस करती हूँ, ड्राइंग, पेंटिंग या फिर रील्स भी करती हूँ। ऑलमोस्ट एवरी डे लाइक रील्स हो जाती है इंस्टाग्राम के लिए। डांस शॉर्ट्स भी कभी कभी करती हूँ। बट आज ना मेरा सुबह से वो इंग्लिश का एक लेटर प्रैक्टिस करना रह गया है, तो अभी मैं वो करने वाली हूँ। तो मैंने ये वाले एक लेटर की प्रैक्टिस कर ली है एंड वो भी मैंने ये वाले पेन से ही प्रैक्टिस की है जो आप लोगों ने मुझे सजेस्ट की थी। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मैंने ये प्रैक्टिस कर ली है इंग्लिश लेटर राइटिंग की एंड बस अब मैं थोड़ी देर में लाइक ब्रश करके सो जाऊंगी। और कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब कि कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।